राजा गवरगंड। अंधेर नगरी गवरगंड राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। प्रकाशवती नगरी का राजा धर्मपाल बड़ा ही विद्वान, धार्मिक व अपनी प्रजा का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करने वाला था। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु होने के कारण उसके बेटे को गद्दी पर बैठाया गया। वह अपने पिता के विपरीत अधर्मी और मूर्ख था। उसने गद्दी पर बैठते ही सभा में घोषणा कर दी कि जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा वह मेरे दरबार में रहेगा, और जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा वह मेरे दरबार से चला जाएगा। तब बड़े बड़े धार्मिक सभासद बोले कि आप अपने पिता की तरह ही धर्म से प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। तब मूर्ख राजा बोला कि उनका काम उनके साथ गया, अब जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा मैं करूँगा। तब विद्वानों ने दुखी मन से कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका शीघ्र नाश होना होता है उसकी बुद्धि पहले से ही विपरीत हो जाती है। चलो, यहाँ अपना निर्वाह नहीं हो सकेगा। और वे उसी समय प्रकाशवती नगरी को छोड़कर चले गए, और महामूर्ख धूर्त खुशामदी लोगों की मंडली राजा के साथ हो गई। फिर राजा ने घोषणा करी कि आज से मेरा नाम राजा गवरगंड और मेरी नगरी का नाम अंधेर नगरी, और जो काम मेरे पिता व सभासद करते थे मैं सब काम उसके विपरीत करूंगा। जैसे मेरे पिता व सभासद रात में सोते और दिन में राजकार्य करते थे, ठीक उसके विपरीत हम दिन में सोएंगे और रात में राजकार्य करेंगे। इसके अलावा हमारे राज्य में केसर कस्तूरी से लेकर मिट्टी सब चीज एक टके सेर बिकेगी। राजा की मूर्खता भरी बातों की प्रसिद्धि देश देशांतर तक फैल गई। एक जगह दो गुरु चेले अखाड़े में मल्ल विद्या करते हुए एक समय में 5-5 सेर भोजन कर लिया करते थे। गुरुजी, अंधेर नगरी चलिए, वहाँ हर चीज टके सेर मिलती है। हम वहाँ 10 टके की 10 सेर मलाई खाकर खूब तगड़े हो जाएंगे। चले, वहाँ राजा गवरगंड का राज्य है, किसी दिन खाया पिया सब बाहर आ जाएगा और प्राण बचाना भी कठिन हो जाएगा। परंतु जब चेले ने अंधेर नगरी जाने के लिए हट किया तब गुरु को भी मोह के बारे जाना पड़ा। वहां जाकर दोनों एक बगीचे में निवास करने लगे और खूब माल चबाने लगे। दोनों के दिन बड़े आनंद से कट रहे थे। वाह, मजा आ गया। एक समय आधी रात को किसी साहूकार का नौकर 1,000 रुपए से भरी थैली लेकर जा रहा था। रास्ते में उचक्के नौकर के हाथों से रुपयों वाली थैली छीन कर भागे। नौकर चिल्लाया, चोर 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 चोर। राजा के सिपाहियों ने उसकी आवाज सुनी तो दौड़े आए और पूछा, अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो? मैं रुपयों से भरी थैली लेकर जा रहा था जिसमें 1,000 रुपए थे। अभी अभी उचक्के मेरी रुपए की थैली छीन कर उस तरफ भागे हैं। सिपाहियों ने वहाँ से धीरे धीरे आगे चलकर किसी भले आदमी को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर कहा, महाराज इसने साहूकार के नौकर से 1,000 रुपए की थैली चोरी की है। मैं चोर नहीं हूँ। इसे शूली पर चढ़ा दो। राजा ने पूछताछ करे बगैर हुक्म सुना दिया। शूली लोहे की बर्छी के समान अणिदार होती है,
उस पर मनुष्य को उल्टा लेटा कर उसकी नाभि में शूली की अणि लगा देते हैं। धीरे धीरे अणि मनुष्य के आर पार निकल जाती है और वह मर जाता है। राजा गवरगंड के नौकर भी उसी के समान मूर्ख और मनमानी करने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि शूली मोटी है और आदमी पतला है तो अपनी मूर्खता से सोचने लगे, अरे शूली तो मोटी है और आदमी पतला, अब क्या करना चाहिए। सिपाहियों ने यह समस्या राजा को बताई। सारी बात सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि इस आदमी को छोड़ दो और इसके बदले में शूली के बराबर जो मोटा आदमी हो उसे शूली पर चढ़ा दो। जो हुक्म महाराज। अब सिपाहियों ने शूली के बराबर मोटे आदमी को खोजना आरंभ कर दिया। तभी किसी ने बताया कि शूली पर चढ़ने योग्य मोटे आदमी तो बगीचे वाले गुरु चेले हैं और उसमें भी चेला गुरु से ज्यादा मोटा है। फिर क्या था, सिपाही बगीचे में गए और चेले से कहा, महाराज का हुक्म है शूली पर चढ़ने के लिए चल, परंतु हमने तो कोई अपराध नहीं किया है। अपराध तो नहीं किया है परंतु तू ही शूली के बराबर है, हम क्या करें। क्या दूसरा कोई नहीं है। नहीं, ज्यादा सवाल मत कर, चल महाराज का हुक्म है। जाते जाते चेली ने गुरु से पूछा, गुरुदेव अब क्या करना चाहिए। गुरुजी, अब इस संकट से निकलने का कोई उपाय बताएं, तो किसी दूसरे देश निकल जाएंगे। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि अंधेर नगरी में आना एक दिन महंगा पड़ेगा, अब खाया पिया सब निकल जाएगा। गुरु ने चेले को इस संकट से बचाने का एक उपाय बताया। इस संकट से बचने का केवल एक ही उपाय है, शूली पर चढ़ते समय मैं तुझसे कहूँ कि शूली पर मैं चढ़ूंगा और तू मुझसे कहे कि शूली पर मैं चढ़ूंगा, बस इस तरह तकरार करने से बचने का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। यह सारा वार्तालाप गुरु चेले ने किसी दूसरे देश की भाषा में किया। सिपाही कुछ समझ नहीं पाए। शूली के पास पहुंचते ही गुरु चेले आपस में लड़ने लगे। शूली पर मैं चढ़ूंगा। नहीं, शूली पर मैं चढ़ूंगा, चेले का धर्म नहीं कि उसके सामने गुरु शूली पर चढ़ जाए। मेरा भी धर्म नहीं कि मेरे सामने मेरा चेला शूली पर चढ़ जाए। यह सब तमाशा राजा गवरगंड के सिपाही देख रहे थे। उन्होंने दोनों से पूछा, तुम दोनों शूली पर चढ़ने के लिए क्यों लड़ रहे हो। ये मत पूछो, हमें शूली पर चढ़ने दो, क्योंकि दोबारा ऐसा शुभ समय मिलना दुर्लभ है। सिपाहियों ने गुरु चेले के लड़ने वाली बात राजा गवरगंड से कही, महाराज वह दोनों गुरु चेले शूली पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। क्या, हम स्वयं वहां जाकर देखेंगे। राजा स्वयं अपने मूर्ख सभासदों को लेकर गुरु चेले के पास पहुंचा। तुम दोनों शूली पर चढ़ने के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो। महाराज आप हमसे यह बात मत पूछो और हमें शूली पर चढ़ने दो, क्योंकि शुभ अवसर निकला जा रहा है, ऐसा अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। इस समय शूली पर चढ़ने का क्या फल होगा। दूसरे से कहने की बात नहीं है महाराज, पर आप हट करते हो तो सुनो, इस समय जो भी शूली पर चढ़ेगा वह विमान में बैठकर सीधा स्वर्ग जाएगा। ओ, ऐसी बात है, तो शूली पर मैं स्वयं चढ़ जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा गवरगंड ने अपने आप ही शूली पर चढ़कर प्राण छोड़ दिए। चेले ने गुरु से कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। गुरु ने कहा कि अब
कोई चिंता नहीं। जो पाप की जड़ था वह स्वयं ही मर गया। अब धर्म से राज्य होगा, इसलिए यही रहो। फिर गवरगंड के छोटे भाई को गद्दी पर बैठाया गया और धर्म से राज्य की व्यवस्था चलने लगी। बच्चों, तेज दिमाग और नीति से न केवल अपने बल्कि सबके दुख दूर करने चाहिए। उदाहरण, गुरु और चेले ने अपनी बुद्धि और नीति से सारे नगरवासियों को मुसीबत से छुटकारा दिलाया।